तो दोस्तों ये है मेरे पास Realme 8s 5G मोबाइल है। आज इस मोबाइल में मैं करने वाला हूँ 1 आवर BGMI टेस्ट और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा हीट कितना हो रहा है, लैग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने FPS में आप खेल पाओगे और बैटरी कितना ड्रेन यहाँ पे हो रहा है। बैटरी मैंने 84% चार्ज अभी यहाँ पे है। स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं और FPS मीटर इंस्टॉल है जहाँ पे FPS मीटर भी ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। लेफ्ट में जो मोबाइल में है उसमें चलेगा स्टॉपवॉच, चल रहा है ऑलरेडी 1 घंटा से 2 घंटा तक ये होगा। तो 84% चार्ज है। अगर आप हीट दिखा जाए तो हीट देख लो, यहाँ पे जो हीट है 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड पकड़ के हम चलेंगे और बाहर का टेम्परेचर भी आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं जो है 27.8। तो 38.3 डिग्री पकड़ के हम चलेंगे, पीछे का है 36.4। इससे पहले मैंने इसमें 1 घंटा फ्री फायर भी डाल दिया, अनबॉक्सिंग भी डाल दिया, अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हो। तो 83% चार्ज हो गया है, 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, FPS अभी भी 60 में चल रहा है और रिसेंट सारे चीज़ मैंने हटा दिया, ब्राइटनेस यहाँ पे फुल कर लिया, स्टॉपवॉच भी इधर ऑन कर दिया और यहाँ पे BGMI में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 6GB 128GB वाला वेरिएंट जिसमें 5GB रैम एक्सपेंशन लगा हुआ है, मतलब टोटल 11GB रैम अगर डायनामिक रैम के बाद बताया जाए तो, डायनामिक 5GB और नॉर्मल 6GB वाला रैम, टोटल 11GB रैम इसमें अभी अवेलेबल है और BGMI हमने स्टार्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करता हूँ, मैं हूँ MD, आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते हैं Realme 8s 5G का बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया टेस्ट। तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस में यहाँ पे फुल्ली किया हूँ और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड भी ऑन कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे वाईफाई से, कोई भी मोबाइल कनेक्ट नहीं है, मेरा डेटा नहीं है, मतलब सिम कनेक्ट नहीं है, सिर्फ वाईफाई में ही हम लोग टेस्ट करते हैं और एक्सट्रीम टेस्ट यहाँ पे करते हैं। तो अगर ग्राफिक्स का बात यहाँ पे बताया जाए तो देख लो स्मूथ, यहाँ पे HD हाई में खेल सकते हो आप, स्मूथ अल्ट्रा में भी खेल सकते हो, 810 प्रोसेसर इसमें है, स्मूथ अल्ट्रा में आप खेल सकते हो। आधा घंटा हम स्मूथ अल्ट्रा में खेलेंगे, आधा घंटा हम इसमें HD हाई में खेलेंगे, बैलेंस में भी अल्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो बैलेंस और HD हाई है और कलरफुल मैंने यहाँ पे कर दिया हूँ। तो आधा घंटा हमने यहाँ पे स्मूथ अल्ट्रा, आधा घंटा HD हाई में खेलेंगे। HDR का कोई चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिर्फ HD हाई के अलावा। तो स्मूथ अल्ट्रा कर दिया हूँ और यहाँ पे कलरफुल कर दिया हूँ और गेम को करते हैं और आप देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा। तो चलिए देख लेते हैं Realme 8s 5G का 1 आवर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया टेस्ट।
तो यहाँ पे लगभग 2 घंटे कंप्लीट हो गया है, मतलब 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे फ्री फायर सॉरी BGMI खेल रहा था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं बंद करने वाला हूँ। हीट कुछ भी महसूस नहीं होगा क्योंकि इसमें जो बैक है ना बहुत बढ़िया बैक है और हीट बहुत जल्दी यहाँ पे रिलीज भी हो रहा है, तो हीट का कोई प्रॉब्लम आपको इस फोन में नहीं होगा। हालांकि MediaTek प्रोसेसर पहले बहुत हीट करता था, बट Dimensity 810 एक अच्छा प्रोसेसर है और MediaTek 810 Dimensity प्रोसेसर का फास्ट मोबाइल है। 8S 5G एक अच्छा कैपेबल प्रोसेसर है जिसमें 5G भी चल सकता है, चलेगा, और यहाँ पे गेमिंग का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होने वाला है। बैटरी यहाँ पे ड्रेन बहुत कम है, फ्री फायर टेस्ट के टाइम यहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे बैटल ग्राउंड भी हम देखने वाला है। तो 83% चार्ज से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था और 36.83 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो बैटरी यहाँ पे अब देख लो 60% अभी भी है, मतलब 23% चार्ज 1 घंटा BGMI खेलने में ख़त्म हुआ है, जो कि एक बहुत बात है, अच्छा बड़ी बात है क्योंकि इसके साथ आपका स्क्रीन रिकॉर्ड भी चल रहा था। नॉर्मली क्या होता है 15-16% ख़त्म होता है, 14-16, बट यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कुछ भी तकलीफ आपको नहीं होगा। 38.3 था हीट और अभी अगर हीट यहाँ पे देखा जाए तो हीट तो ज़्यादा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा है।
मीटर मेरा खराब है क्या पता नहीं, बट हीट यहाँ पे बहुत ही कम हुआ। एक्चुअल क्या है, फ्री फायर हम लोग खेल रहे थे एक घंटा में, इसीलिए हीट ज़्यादा हो गया था। अभी फिर बैटल ग्राउंड खेलने में यहाँ पे हीट रिलीज हो गया, तो हीट का कोई तकलीफ आपको यहाँ पे नहीं होगा। खेलने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, लगभग यहाँ पे FPS मीटर में 60 FPS ही दिखा रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका बाहर का टेम्परेचर देखो 28.5 डिग्री, मीटर ठीक चल रहा है मेरा। वो BGM फ्री फायर खेलने के बाद ये टेस्ट किया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, ग्राफिक्स अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा, लैग या फिर कुछ भी नहीं होगा। BGMI खेलने का एक्सपीरियंस मैं तो कहूँगा इसमें बहुत ही बढ़िया है। 6G वेरियंट था मेरे पास। तो दोस्तों इधर रियलमी S5G का 1 आवर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंटरनेट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज वीडियो इतने, बाय।